हिमाचल प्रदेश में कहीं बारंबार भूस्खलन और वर्षा कोटी कोटी टंकार संपत्ति नष्ट होता बेले प्राण हर शताधिक लोक तेज विश्व तापायन जो विपर्यय घटुची बोली वैज्ञानिक भारत परी एक देश में 70% वर्षा सबु क्षेत्र में होता है उपयोगी मात्र हिमालय लघुचाप जनित जलवायु कारण सेठे अस्वाभाविक अवस्था लगि रहा प्रबल वर्षा होपम्रा वृद्धि कारण घटुची बोली वैज्ञानिक कहते दिल्ली स्थित आईएमडी कर्तृपक्ष कुलदीप श्रीवास्तव कहते दुईट शक्तिशाली प्रक्रिय संघात ही विपर्ययर कारण विश्व तापमात्रा वृद्धि जनित जलवायु परिवर्तन कारण हिमाचल प्रदेश में बादल फटा वर्षा अत्यधिक वर्षा घटुची उभय हिमाचल उत्तराखंड में 2011-2020 मध्य प्रबल वर्षा होता दिवस संख्या 74 वृद्धि पाई 118 पहुंची वर्तमान सुधा हिमाचल में 120 अधिक एवं उत्तराखंड में 75 अधिक लोक भूस्खलन में प्राण हर मौसुमी सह पश्चिमी जलवायुर सहवस्थान जो समस्या सृष्टि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म निर्देशक वीपी धीमी कहते पश्चिमी जलवायु साधारणतः जून और अक्टोबर मध्य उत्तरांचल सीमा दे गति करें मात्र तापमात्रा वृद्धि जो सामान्य दक्षिण दिगरे प्रवाहित होता है यही कारण बादल फटा वर्षा होता है सेपटे प्रबल वर्षा जो कुलु मंडी रोड विच्छिन्न हो फल शह शह पनीपरिया बोझ जान अटकी देखाई राज्यर क्षतिग्रस्त अंचल एवं जारी रही उद्धार कार्य विभिन्न स्थानूर आसवे लगी छाती थरा दृश्य अनेक स्थान जानवाहन चलाचल बाधाप्राप्त होता बेले एनडीआरएफ एसडीआरएफ पक्ष उद्धार कार्य जारी रही राज्यर 729 रास्तार जातायात प्रभावित हो 2897 अधिक पावर ट्रांसफर्मर क्षतिग्रस्त हो अधिक आलोचना करिबा हम सहित जोड़ी होती डॉक्टर जीनामणि संजीव कुमार भू विज्ञानी डॉक्टर संजीव कुमार आपन को स्वागत करछि नंदीगोष्ठी को सर प्रथम जानिबा को चाहिबि बारंबार जो भाई आम देखु हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड कथा कहतु वर्षा कथा कहतु बा फ्लैश फ्लड कथा कहतु धन जीवन क्षति हो चलती यार कारण साइंटिस्ट मैंने कहते जलवायु गोटे बड़ कारण वृद्धि हाँ आड़ा तापम्रा बढ़िया सर कौन कारण आ पचर देखते आप प्रथम नंदीघोष शिव को मुझे स्वागत करुच्ची देखो आप आलोचना मध्यम तार विस्तृत बरणी देखते कौटिपाई एवर्ष गोटे जलवायु परिवर्तन केमती वर्षा पखापाखि 2 मास 55 दिन रु अधिक दिन धरी वर्षा क्रमगत भाव में लग चलती जार इफेक्ट रोच नर्थवर्ड मुवमेंट अफ साउथ वेस्ट मनसून एवं वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स प्रभाव अरब सागर रोच प्रबल वर्षा हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल प्रबल वर्षा होती हिमाचल प्रदेश को आप आखिया को आणवे हिमाचल प्रदेश जदि तार भौगोलिक गठन देखा यह गोटे पहाड़िया अंचल जहाँ हिमालय पर्वतमाला शिवालिक अंचल अवस्थित जार उच्चता सामुद्रिक पतन ठारू हाराहारी 450 मीटर रु 6550 मीटर पर्यंत रोची एवं प्रत्येक पर्वत उपर बरफर आस्तरण रही देखु धौलीधा पर्वतमाला जोटा कांग्रा जो लैंडस्लाइड रो प्रभाव बेसी रही पाखापाखि 102 सेंसिबल साइट रही कांग्रा हूँ धौलधर पर्वतमाला उपत्य को घेरी रही धौलीधार पर्वतमाला कांग्रार उपत्य को घेरी रही कि पर्वतर स्लोप अंचल गुड़िकर जंगल द्वारा आवृत रहीला कि कालक्रमे डिफरेस्टेशन जंगल मैसिव आगे जो डिफरेस्टेशन होती है गोटे कारण जहाद्वारा गसर चेर जो मटी को धरी रखार शक्ति से मध्य कमी जाऊँ उपत्यकार पादेश बहुत नद नदी बही जाती भितर हिमाचल प्रदेश सतलेज और बीस नदी अन्यतम देखु नदीर हजारे बा नदीर फ्लोईंग जो जार दे गति करुच्ची तागे अनऑथराइज बिल्डिंग या हो जोटा कि तार गोटे कारण एवं देखिए जे गोटे ब्लास्टिंग एक्टिविटीज रोची जोटा कि आपणकर हाइड्रो प्लांट प्रोजेक्ट पे बारंबार सतर्क बाणी दलापर मैं ब्लास्टिंग फॉर टनल्स टनल्स या हाइड्रो प्लांट प्रोजेक्ट करने ब्लास्टिंग एक्टिविटीज सॉइल को दोहले दौर ता छड़ा देखो 17,120 लैंडस्लाइड प्रोन साइट रही हिमाचल प्रदेश में जोटा कि 675 क्रिटिकल कंडीशन रही सर किंतु जो जहां को जलवायु परिवर्तन कथा कहतु बा तापमात्रा वृद्धि हाँ
ये गोटे जदि प्रमुख कारण आपण कहउछन्ती। द्वितीय कथा हला कंस्ट्रक्शन को नै जोठी परे सेठी कंस्ट्रक्शन होउछि, ये जदि एमती बढ़ी चलिबो सर ताले आमे लागिबो कि ए लैंडस्लाइड कथा कोंतु बा वर्षा थमिबनी आगु के एमती जारी रहइबो। देखंतु हिमाचल प्रदेश रे आपण प्राकृतिक गठन विषय रे प्रथमे अवगत हवा उचित जे हिमाचल प्रदेश को भरिया शैल से गठित होइछि। देखंतु हिमाचल प्रदेश रा दक्षिण भागटी शिवालिक अंचल छोट छोट पर्वतमाला द्वारा गठित, जोटी उपत्यका अंचल को डून भैली कहा जाए, जोटा कि लंगिचुनाली डिप्रेशन, लंगिचुनाली जो डिप्रेशन रो जो उपत्यका अंचल को डून भैली कहा जाए, जहाँ अत्यंत लुज एवं अनकनसोलिडेटेड डिपोजिट। तेणु ताकि आम ब्लास्टिंग आक्शन करवा, नन साइंटिफिक कंडीशन यदि गृह निर्माण करवा, निश्चिंत भाव में ये लैंडस्लाइड प्रमुख कारण ही रहिब। एवं देखंतु आपणकर 40% टोटल हिमाचल प्रदेश रो 40% लैंड एरिया वर्तमान हाईली सेंसिटिव जोन ही रही। सर आपको रोका जाए पारिबो कि कारण प्राकृतिक विपर्जय को हमें रोकी परबे नि मुकाबला करि परबे सर। मु तीनटी सजेशन आपनको देबी बा मोर भौगोलिक मतामत रहिछि, जोडा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस निहात दरकार, आउ इफेक्टिव मैनेजमेंट रहिबो, वाटर रिसोर्स रो इफेक्टिव मैनेजमेंट रहिबा दरकार, एवं बड़ बड़ प्रोजेक्ट माइनिंग एक्टिविटीज संपूर्ण भाव हेडर बंद करिबा दरकार। आज्ञा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर जेनामणि संजीव कुमार भू विज्ञानी आम सहित थे, जहाँ कहते कि बड़ कथा सामना को आ साइंटिस्ट मैंने जहाँ कहते बढ़ुची तापमात्रा जलवायु परिवर्तन छड़ा जो कंस्ट्रक्शन जो भाई भाव कंस्ट्रक्शन से प्रति थर आम देखुचे कि बड़ बड़ कोठा धसी जाऊँगी, लैंडस्लाइड ता छड़ा बर्षार परिमाण यह भाव बढ़ी बढ़ी चली।